वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त सरोज छवि चौधरी। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे बहुत से जो व्यूवर्स थे उनकी डिमांड थी कि उनके लिए हम 1 BHK फ्लैट की वीडियो लेके आएँ, तो उसी डिमांड पे आज हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं वो हम 1 BHK फ्लैट की दिखाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा फ्लैट होगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारा जो फ्लैट है वसुंधरा में होगा और इस फ्लैट में आपको लिफ्ट की भी फैसिलिटी रहेगी और साथ ही आपको इसमें पार्किंग की भी फैसिलिटी रहेगी। तो दोस्तों ये होगा आपका 1 BHK फ्लैट और ये हमारा यहाँ पर मेन डोर दिया गया है। और अगर मैं मेन डोर के हाइट की बात करूँ तो अप्रॉक्स 8 फीट इसकी हाइट होगी डोर की और क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी डोर है ये। उसके बाद हम थोड़ा सा अंदर आ जाते हैं दोस्तों, तो ये हमारे यहाँ पर लिविंग एरिया जाता है। तो 1 BHK के अकॉर्डिंग जो हमारे लिविंग एरिया का स्पेस है, तो दोस्तों ये हमारा स्पेस होगा। इसमें भी आप अपना आराम से यहाँ पर सोफ़ा लगा सकते हैं, इजली आप अपना 5 सीटर सोफ़ा भी यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर भी आपको 4 सिक्योरिटी पर्पस दिया गया है। और दोस्तों साथ ही अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूँ तो आप देखिए जो फॉल सीलिंग में काम किया गया है, इसमें आपको लाइट्स मिलेगी, फैन आपको दिए जाएंगे और दोस्तों जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं एज इट आपको ऐसे ही मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों थोड़ा इधर घूम जाते हैं तो ये आपके यहाँ पर AC की फिटिंग आ जाती है आपके लिविंग एरिया में। और साथ ही दोस्तों इस तरफ आपकी किचन आ जाती है और वहाँ पर आपका बेडरूम होगा, जैसे कि आपका ये 1 BHK फ्लैट है तो इसमें आपको एक बेडरूम प्रोवाइड कराया गया है। और ये दोस्तों आपकी किचन है, तो आप देखिए आपके किचन का जो स्पेस है। साथ ही दोस्तों इसमें आपको गैस स्टोव मिलेगा, चिमनी भी आपको मिलेगी, हिंडवेयर की आपकी चिमनी रहेगी। और ये आपका यहाँ पर वेट एरिया आ जाता है दोस्तों। ऊपर आपका यहाँ पर RO की फिटिंग है, आप RO लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों उसके बाद अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो ये आपके कैबिनेट हैं और ये आपके कैबिनेट का स्पेस होगा। नीचे भी कैबिनेट्स हैं फॉर किचन एसेसरीज, काफ़ी सारे यहाँ पर आपको कैबिनेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपकी किचन में। और इसी के साथ दोस्तों आपको इसमें आपकी गैस लाइन की भी फिटिंग रहेगी। यह आपका यहाँ पर गैस पाइप है और ये आपके यहाँ पर विंडो आ जाती है फॉर वेंटिलेशन, आपकी किचन में वेंटिलेशन रहे उसके लिए यहाँ पर विंडो दी गई है। तो दोस्तों ये हमारी किचन थी, इसमें भी आपका सीलिंग का काम किया गया है। इसके बाद दोस्तों थोड़ा इधर आ जाते हैं तो ये आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा यूटिलिटी स्पेस दिया गया है जिसे आप अपने वॉशिंग एरिया के रूप में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक टैप पॉइंट भी मिलेगा और आप देख सकते हैं इसमें भी आपको टाइल्स का काम मिलेगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हमारा रूम देखने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर रूम आ जाता है और अगर इसकी फ्लोर की बात करो तो वुडन टाइल्स का काम किया जाए क्या हुआ है इस पर। और इसी के साथ में दोस्तों अगर फॉल सीलिंग की बात करूँ तो आप देखिए आपके ये फॉल सीलिंग का काम होगा, लाइट्स मिलेगी आपको, फैन आपको दिया जाएगा इसमें भी। साथ ही दोस्तों आपके इस रूम में भी AC की फिटिंग रहेगी। ये आपके यहाँ पर AC की फिटिंग है, आप यहाँ पर अपना AC लगा सकते हैं। और दोस्तों आपके इस रूम में भी विंडो दी गई है फॉर वेंटिलेशन, ये आपके यहाँ पर विंडो है। और इसके बाद दोस्तों ये आपका यहाँ पर अटैच वॉशरूम आ जाता है। और अगर दोस्तों मैं वॉशरूम में भी अगर टाइल्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि सीलिंग हाइट तक टाइल्स का काम किया गया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर टाइल्स यूज़ की गई हैं। साथ ही दोस्तों आपकी जो बाथ फिटिंग है जैक बार की फिटिंग रहेगी। इसी के साथ आप दोस्तों देख सकते हैं कि काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पर वॉश बेसिन यूज़ की गई है, काफ़ी जो क्वालिटी की अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और आप नीचे भी देख सकते हैं इसमें ड्रॉर भी दी गई है, तो इसमें आप अपना यहाँ पर आपके बाथरूम से रिलेटेड, वॉशरूम से रिलेटेड जो भी सामान होते हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और ये दोस्तों यहाँ पर आपकी जगह दी गई है, यहाँ पर आप अपने प्लांट्स रख सकते हैं फॉर डेकोरेट। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें जो ड्रेसिंग एरिया है वो अलग से प्रोवाइड कराया है, आप देख सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया का स्पेस होगा। और साथ ही दोस्तों अगर मैं अलमीरा की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि सीलिंग हाइट तक अलमीरा होगी विद स्लाइडिंग डोर।
इसी के साथ दोस्तों हम आपको यहाँ पर टेरेस दिखाते हैं। तो ये जो टेरेस होगा ये सभी के लिए है, और आप देख सकते हैं कि जो हमारे टेरेस का यहाँ पर स्पेस दिया गया है कितना स्पेस है। तो अगर आपका कोई फंक्शन है आप यहाँ पर इजीली आप अपना फंक्शन कर सकते हैं। और इसी के साथ आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो यहाँ पर जगह दी गई है इसमें प्लांट्स लगाए जाएंगे। इसमें चारों तरफ आप देख सकते हैं ये चारों तरफ जगह बनी हुई है, तो इसमें चारों तरफ यहाँ पर प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो उसके साथ में ये काफ़ी अलग और काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा हमारा ये जो टेरेस है। और आप देखिए काफ़ी दूर तक है, तो ईज़िली आप कोई भी फंक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। आप कोई बर्थडे फंक्शन करना चाहते हैं या कोई गेट टुगेदर करना चाहते हैं तो ईज़िली आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका 1 BHK फ्लैट। तो 1 BHK फ्लैट के अकॉर्डिंग ये आपका यहाँ पर स्पेस था पूरे फ्लैट का। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये फ्लैट आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आप इसके बारे में कोई डिटेल्स लेना चाहते हैं तो हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट या बिल्डिंग या किसी भी तरीके की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी हम अपना जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे तो हम आपके लिए इस तरीके की नई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे। ओके दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।